एक मतलब मैं सोचता हूँ कई बार सुंदरकांड को ना, मतलब सुंदरकांड क्यों कहा गया है? मतलब सच में जो सुंदर जो वर्ड है, जो शब्द यूज किया गया, वो उसका मतलब सुंदर ही है? सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रवेश प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा बताइए कैसे। पहला, अब हो सकता है क्रम भूल जाऊं, मैं भूल भी जाऊंगा, पहला सुंदर शब्द कहाँ हुआ? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, जिस भूधर पर खड़े हुए हनुमान जी वो भी सुंदर ही है। हम कहाँ बैठे हैं वो प्लेटफॉर्म सुंदर होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना भाई, कुत्ता भी बैठता तो पूंछ से सफाई करके बैठता। ये तो है। हाँ, हम है क्या, हमारा एड्रेस अच्छा होना चाहिए जी। हमारी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, फटी हो, गंदी ना हो, गंदी ना हो। धन नहीं है, खरीद ही तो नहीं सकते, धो लेना तो हमारे हाथ में। तो हनुमान जी जिस भूधर पर खड़े होकर के हाई जैक प्लेन एकदम चलाना चाहते हैं वो सुंदर। पहला सुंदर शब्द यहां जी। दूसरा सुंदर शब्द आया, हे कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट, सुंदर शब्द यहां आया। तीसरा, श्याम सरोज दाम, अरे करी सुंदर। तीसरा यहां, एक तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। ऐसे करके 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है सुंदरकांड में, इसलिए भी इसका नाम सुंदरकांड है। दूसरा, जब सीता जी के सामने हनुमान जी ने मुद्री गिराई, सीता जी तो डिप्रेशन में, रावण डरा करके गया और हनुमान जी डिप्रेशन दूर करने आए, बैठे कहाँ हैं, पेड़ पर, पेड़ पर। माँ बैठी है नीचे, हनुमान जी बैठे ऊपर, माँ से ऊपर बैठे हनुमान जी। किसी ने हनुमान जी कहा, सीता माता के ऊपर बैठे हो, लाज नहीं आई? हनुमान जी ने कहा, कथा सुनानी थी ना, कथा सुनाने वाले को ऊपर ही बैठना होता है। तो कथा सुनानी शुरू करी, सबसे क्या किया, सबसे पहले ऐसे करके अग्नि का अंगार मांग रही है। किससे अग्नि मांग रही है? चंद्रमा से। चंद्रहास जिस रावण ने तलवार से डराया उससे ही कहती है, चंद्रहास हरुमम परितापम। अब यहां ध्यान रखें, ये सीता नकली है, मायावी। अच्छा। क्योंकि वहां राम जी ने उनको अग्नि में प्रवेश करवा दिया है, ये जानकी मायावी है। तो उसी से चंद्रहास तलवार से सारा मांगती है। अशोक के पत्ते से कहती है, ए अशोक, किसने तेरा नाम अशोक रख दिया? तेरा नाम शोक होना चाहिए, तो मेरा शोक नहीं हर सकता। त्रिजटा से अग्नि मांग रही है, त्रिजटा भी कह के चली गई, माँ अब कहाँ अग्नि लाऊं, वो तो भक्त थी, विभीषण की बेटी है। तो हनुमान जी ने कहा, माँ अभी आपको ढूंढने पे अग्नि नहीं मिल रही, कल लंका में आग ही आग मिलेगी। ऐसे करके अग्नि का अंगार मांग रही थी। हनुमान जी ने सोचा, राम नाम भी तो अग्नि है जी, अगर सांसारिक अग्नि बाहर जलाती है तो राम नाम की अग्नि भीतर के विकारों को जलाती है। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को, राम नाम भी अग्नि है। ऐसे करके मुद्रिका मांग रही थी और अग्नि रूपी मुद्रिका जैसे ही गिरी, मुद्रिका देखी, कौन है, कौन है, कौन है, किसने मुद्रिका गिराई? हो सकता नकली हो, लेकिन जैसे ही घुमा कर देखी तो लिखा था राम, राम नाम अंकित अति सुंदर। अब पक्का हो गया कि ये मुद्री दुनिया में सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन राम नाम सत्य है। इतने में हनुमान जी को लगा कुछ सेटिस्फेक्शन हो गई माँ को कि कुछ तो पॉजिटिव हुआ है जी। 10 महीने हो गए माँ को लंका में, कोई हलचल नहीं हुई राम जी की ओर से, आज पहली हलचल है, पहला हुंकारा है। जैसे ही देखा कुछ तो हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है। इतने में हनुमान जी तो बैठे बैठे ऊपर से ही कथा सुनाने लगे। कथा भी कहाँ से सुनाई, आदि होते ठुमक चलत राम चंद्र भजत पैंजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र राम, फिर आगे सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। माँ की और राम जी के विवाह की कथा, यानी कि कथा सुनते सुनते सीता जी इतनी मग्न हो गई, अब कौन सुना रहा है, कौन नहीं सुना रहा, मैं कहाँ हूं, कहाँ नहीं हूं। सुनते ही सीता कर दुख भागा, भगवान की कथा सुन, जितनी देर हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, जितनी देर इंटरव्यू कर रहे हैं, जितनी देर कथा गा रहे हैं, इतनी देर आपको बाहर की बात
आपके माइंड में ना घुसने दे, उसका नाम है कथा जी। विस्मरण इस बात को, मैं विस्मरण हो जाए, और इसी को भगवान की कथा की एक शैली कहते हैं कि जब तक हम कथा कहें सामने वाला मौन होकर सुने, एक शब्द पे कमांडो उसकी। और हनुमान जी जैसा कथावाचक कथा करे तो ओ सुनते ही सीता का दुख भागा, सीता कर दुख भागा, आगे आगे दुख भाग रहा, मैया पीछे बैठी है। अब कौन है भाई, कौन है जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है, कौन है जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है। पेड़ पे बैठे हनुमान जी बोले, माता कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो पूरा बंदर है। माँ ने भी कह दिया, जा जो इतनी सुंदर कथा कहता है, आने वाले समय में इस कांड का नाम होगा सुंदर कांड जी। तो ऐसे इस प्रसंग का नाम मतलब सुंदर कांड पड़ा इस पार्ट का। नहीं, ये कोई कहीं ये चिन्हित नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन सुंदर 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 शब्द कितनी बार है, इसलिए सुंदर कांड। इसमें सब, इसमें सीता जी का वियोग पहली बार जा रहा है तो इसलिए सुंदरकांड। हमारे जीवन में कोई भी अच्छी घटना घटे तो सुंदरकांड जी। सुंदर सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदर है किम न सुंदरम, कुछ भी अच्छा कार्य वो सुंदरकांड है जी। हमसे लोग पूछते हैं क्या चल रहा है, हम कहते सुंदरकांड चल रहा है। और आजकल कहा हो सुंदरकांड कर रहे हैं। सुंदरकांड मतलब कांड का मतलब कार्य, कार्य बदनाम कर दिया ऐसे ही कांड को, शब्द को। तुलसीदास जी ने तो सोपान लिखा है। ये कांड शब्द वाल्मीकि जी का है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। तुलसीदास जी की तो मानस में प्रथमा सोपान, हाँ द्वितीय सोपान, सोपान शब्द दिया है।